हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। न्यूट्रिशन इन एनिमल कीवर्ड्स। न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशंस। तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है हम अच्छे से पिछले वर्कशीट में समझ चुके हैं। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ईजी प्रोसेस है। इसमें पहले क्या होता है? इंजेशन होता है, फूड को अंदर लेना, उसके बाद उसका डाइजेशन करना, उसको ऑब्जॉर्व करना है, एसिमिलेट करना, उसके बाद में इंजेशन करना। हम उसके बाद देखो क्या कहा गया, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा गया है कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो किससे बनता है? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक से, जो ये पूरा सिस्टम है, इसके साथ एसोसिएटेड जो ग्लैंड है वो मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल जूस, इट इज सिक्रेशन ऑफ लीवर। ये किससे सिक्रेट किया जाता है? लीवर से। और इसका काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। इट हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड इंजेशन। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज ऑफ बिटवीन 6 to 18 ईयर। देयर आर टर्म्स मिल्क टीथ। देखो मिल्क टीथ किसे कहा जाता है? कि ये फर्स्ट सेट होता है टीथ का, जो क्या होता है, जब जन्म लेते हैं उसके बाद में आना शुरू होता है, लेकिन 6 to 8 ईयर के बाद से क्या हो जाते हैं? सारे के सारे टूट कर गिर जाते हैं। इन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। रूमिनेट्स, द ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउ, बफेलोज एंड डियर आर नॉन रूमिनेट्स। जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, जो ग्रास को ईट करते हैं, जैसे कि हो गए काउ, बफेलोज, डियर, इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेट्स एनिमल कहते हैं। उसके बाद है स्यूडोपोडिया। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल ऑफ अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। दीज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा एंड कैप्चर ऑफ फूड। देखो क्या कहा जा रहा है कि अमीबा में देखो क्या होता है, इस तरह की उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे उसकी अमीबा की ये शेप है, उसके पास जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है, ये क्या करता है? अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इस तरह से फूड को इंजेक्शन लेने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए क्या करता है? अपनी जो शेप है उसको क्या करता है? चेंज कर लेता है। और इस तरह से क्या करता है? फाइनली फूड को अंदर ले लेता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, देखो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। इसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। तो देखो यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, रिमेंबर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। जो डाइजेशन की बेसिक प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। लास्ट में क्या बनता है? उससे एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी क्या करते हैं? हमारी जो डेली रूटीन के वर्क है ना, उसमें हमें हेल्प करते हैं। उसी की वजह से अगर एनर्जी होगी तभी तो हम डेली रूटीन के जो वर्क है वो कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इनके, जिनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया, डैश एंड डैश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना है? अभी हमने समझा था। तो यहाँ से देखो ये आंसर आ जाएगा, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट का आंसर, द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड जो है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस? तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। हम क्या लिख देंगे? फैट के डाइजेशन में बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। अमीबा के अंदर जो स्यूडोपोडियाज हैं उसके 2 फंक्शंस बताने हैं आपको, क्या फंक्शन है? देखो यहाँ से आ जाएगा आंसर नंबर 3, दिस हेल्प या स्यूडोपोडियाज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा। अमीबा की मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड कैप्चर ऑफ फूड, और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? देखो न्यूट्रिशन से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी क्या करेगा? हमारे जो डेली रूटीन के वर्क है उसमें हमारी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, न्यूट्रिशन गिव एनर्जी टू ऑल लिविंग बींग्स। न्यूट्रिशन क्या करता है? एनर्जी देता है ऑल लिविंग बींग्स को, सो दैट दे कैन डू ऑल द वर्क ऑफ देयर डेली लाइफ। वो अपने डेली लाइफ के जितने भी काम हैं उनको कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आंसर नंबर 4 था ये आसान सी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।